दोस्तों अगले 24 घंटे हम लोग बिताने वाले इस खेत के अंदर। अरे यार तेरा एटीट्यूड बावड़ी, बहुत ही ज्यादा धूप है यहाँ। ओए डब्लू कन्नो खर्चो गाड़वा रिक्शा आती हमारी तरफ से उसको 1 रुपया मिल जाएगा, तभी एक प्रैंक करने वाला हूँ। गाइस ये चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गाइस लास्ट तक बने रहना। रात अभी 10:30 बजे है और हमने यहाँ पर चैलेंज को स्टार्ट किया है। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक धूप आ रही है, तो मतलब दिक्कत तो आने वाली है इस चैलेंज के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं खेतों को पानी पिलाया जा रहा है फिलहाल। अब आ गया ना, पहले नहीं आता यार। तमे चैलेंज में होले अपन हो करो, तमे तो का बोल दादा होने बहुत ही ज्यादा दुख है। अभी तो 24 घंटे बिताने हैं, अभी तो आधा घंटा हो गया। इसको कई सारे पर मैं तीसरा कंडीशन देखो, ऐसे ही आता जाता रहता है, मतलब उसको कुछ पड़ी नहीं है वीडियो की। यार वीडियो के लिए तू आया यार, क्या कर रहा है फिर? बहुत ही ठंडा है गाइस, मीठा मीठा है ना। फिर ये दिक्कत आ सकती है आगे जाकर। वो भी हो चुका है पास, जो कि लड़खड़ाते हुए आ रहा है। तो गाइस ये भी पास, और ये बंदा देखो गाइस ये भी अभी हो चुका है पास। तो हम तीनों के तीनों गाइस आदर्श विद्यार्थी है हम लोग, ना कि बैंक मैनेजर है। हम लोग एकदम सीधे साधे इंसान है गाइस, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अरे यार तो क्या हालत देखो गाइस फिलहाल आप लोग। इसको कहते हैं बगला, डूर डूर। तो गाइस इसका नाम है गाइस डूर। ये है गेहूं का वेस्ट, गेहूं का वेस्ट जो कि हम लोग वेस्ट में से ही बेस्ट बना देते हैं, और ये भी हमारे काम आता है गाइस। फिश को खिलाते हैं सर के, आज आज ज्यादा ही बराबर तो कम भी कितना बचा। देखो फिश से चलते हम लोग स्ट्रगल करके बाहर। तो दोस्तों इसी काम को करते करते हम लोगों को यहाँ पर 1 घंटा खत्म हो चुका है। चैलेंज में एक और कुत्ता यहाँ पर शामिल हो चुका है, इंसान के कुत्ते के साथ साथ एक और कुत्ता गाइस यहाँ पर शामिल हो चुका है। देखो शायद वहाँ पर जाएंगे, जगह वगैरह देखेंगे और हम लोगों का रहने का ठिकाना कर देंगे एक बार। देखो दोस्तों इस नीम के पेड़ की छाव, ठंडा पवन आता है यहाँ पर, ठंडा गाइस। तो यहाँ पर कुछ अभी साफ सफाई हो रही है इस चीज की। दोस्तों अभी इसको पहले बिछा देते हम लोग, पी प्याज जैसे पीता है वैसे। तो क्या व्लॉगिंग ट्राइपॉड, इसे व्लॉग बनाते, ये बंदा व्लॉग बनाता है। अभी कैसे पड़े हुए हम लोग कुछ ये हालत है हमारी, देखो ऐसे के अंदर पड़ा रहना पड़ता है गाइस। अगर वीडियो बनाना है तो कुछ भी करना पड़ता है, वरना शांति से हम लोग घर में भी रह सकते हैं। और हमारे साथ हम लोग तीन तो बंदे चैलेंज के अंदर ही है, देखो एक बंदा वो रहा, लेकिन हमारे साथ एक और बंदा जुड़ चुका है जो कि है ये, जिसका नाम है मेरा नाम मयंक। ठीक है गाइस कुछ इतना ही सही, आइए चले अंदर ले। हम तो वैसे भी देसी है ना, जाना मेरे देसी लुक पे मार देगा मेरा एटीट्यूड बावड़ी। ये सब मेरे दुले यार, हम कलर किसी भी टाइम पर चेंज कर देंगे, मतलब हमारा भरोसा मत लेना। गाइस बचपन का सपना है हमारा फ्रेम देखने का। वीडियो बनवाया है। अबे किधर है बे? कटेड कहाँ है? कहाँ? बस सही है सही है। और देखो गाइस पीक चुका है, तो गाइस इसको अभी चेंज करना पड़ेगा। अपन अपन ये क्या है? हम लोग गाइस पूरे के पूरे पेड़ को नहीं काट रहे हैं। तो दोस्तों हमारा काम यहाँ पर खत्म। अंदर आ जाओ। अभी हमारा खाना आ चुका है, टिफिन और वहाँ पर जाकर। लेकिन बहुत ही ज्यादा धूप है गाइस, देखो आप लोग की एकदम पसीना पसीना आ चुका है, बहुत ही ज्यादा धूप है यहाँ का सेल्सियस गाइस। थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ।
बहुत ही ज्यादा गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है फिलहाल। तो गाइस मैं थोड़े जगह खाने, तो गाइस ये सब कुछ करना पड़ता है अगर अच्छी फैक्ट्री। देखते देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए और यहाँ पर कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग लाइफ होगी गाइस खेत में, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने चारपाई रख दी है और चारपाई के ऊपर यहाँ पर चटाई रख दी है और चटाई के ऊपर हम लोग बैठ चुके गाइस। हवा चुका है बहुत ही जबरदस्त, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बादल आ चुका है। तो गाइस यहाँ पर मेरे पीछे बहुत ही जबरदस्त पेड़, अभी इसको बांधा जा रहा है चूल्हे को गाइस। धमक जो थी वो कर दो कर दो। अब गाइस ये ठंडा हो जाएगा। दोस्तों अभी हो चुके हैं 3:30 और देखो गाइस वहाँ पर खेत है और आप लोगों को दिखाता रहूँगा वरना आप लोग कहोगे कि यार घर पे चला गया फिर कहाँ पे चला गया। तो गाइस लोग और चलते हैं गाइस नहाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। ये देखो अरे ठंडू इतना ज्यादा ठंडा है, इतना ज्यादा ठंडा है कि क्या ही बात करूं मतलब। तो गाइस इसी के साथ में बाहुबली ना हो भाई आप लोग नेता में तरी आप लोग ठंडी है यहाँ पर। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। यहाँ की गाइस एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर नहाने का बहुत मजा आता है। तीर में डालने के लिए गाइस हमारे पास तेल भी है और आखिर 10 दिन के बाद नहाने का मौका मिला है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग यहाँ पर ही है और अभी बज गए गाइस 6 बजने वाले हैं। यहाँ से प्याज का दूध निकालते और चाय बनाते हैं। फिर तो दोस्तों अभी यहाँ पर आग लगाते हैं और चलिए देखते हैं कि चाय कैसी बनती है और उसके साथ साथ इसके अंदर चाय भी है। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं दूध को, तो अभी इसके अंदर डाल देता हूँ इलायची को भी। तो दोस्तों यहाँ पर चाय अभी अच्छी तरीके से उबलने लगी है, देखो भाई थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको निकाल देंगे कप के अंदर। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है फिलहाल। आसर
तो दोस्तों हमारा दोस्त आया एक हमारा यहाँ पर मिलने के लिए। तो दोस्तों कुछ जुगाड़ किया हम लोगों ने यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी चाय बनकर रेडी हो चुकी है और इन अंकल को भी चाय आ चुकी है, इन दादा को भी। चाय कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, जबरदस्त बढ़िया। सोने का कुछ जुगाड़ करते हैं फिर दोस्तों। थोड़ी सी बहुत ज्यादा मेहनत के बाद हमारी चाय अभी आ चुकी है। तो गाइस अभी शाम का वक्त हो चुका है, बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइस। मुझे खेत का नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव नेचर। वो जा रहा है गाइस कुछ चीज लेने के लिए जो कि घर पर है। तो अभी चाय का जो सेक्शन था वो गाइस खत्म हो चुका है। तो दोस्तों हमारी चारपाई यहाँ पर आ चुकी है देखो। तो दोस्तों अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों को काटा जा रहा है, देखो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने भेड़ को बनाने के लिए लाए गाइस, इतनी सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अभी भेड़ बनाते बनाते रात हो चुकी है और रात को मतलब भेड़ बनाने का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हमारा खाना आने वाला है दोस्तों। अभी यहाँ पर एक हैलोजन लगा दिया है देखो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ स्पेशली हमारे लिए। और हमारे साथ जुड़ चुका है एक बंदा जिसका नाम है कार्तिक, देख लो आप लोग, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये भी हमारे साथ और ये रहेगा पूरी रात हमारे साथ। तो दोस्तों अभी हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर खाने के लिए, तो सारे के सारे सामान को निकालते। अरे यार मैंने हाथ कट दिया। नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देश का यहाँ पर हम लोग पांच बंदे हैं जो कि यहाँ पर पूरी रात बिताने वाले हैं। लेंगे इसके बाद हम सारी की सारी चीजों को समेट लेंगे और फिर गाइस सोने का कुछ बंदोबस्त कर देते, उसके बाद हम अपने काम को अंजाम देते गाइस। मतलब थोड़े थोड़े से हम लोग साफ कर देंगे क्योंकि हमको इसको सुबेरे घर पर भी ले जाना है। क्या बात है, तुम्हारी बात पे तो फूल बरस गए। चलो हम यूट्यूबर के पास जाते हैं। ओए डब्लू, चाय ले लो भाई, चाय ले लो, चाय ले लो भाई। सही है ना? सही है भाई। अभी ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। तो गाइस हमने यहाँ पर खाना खा लिया है और ये डांडिया खेल रहा है, देखो देखो ये डांडिया खेल रहा है। और ये है यूट्यूबर, देखो ये क्या कर रहा है, अलग ही चल रहा है इसका, ये अलग ही चल रहा है, कुछ चक्कर चल रहा है इधर देखो। और देखो ये चूल्हे के साथ, ये देखो देखो आ भाई सामले के पहुंच, लड़के लोग घुस गए यहाँ पर सामले के पहुंच। क्या एक्टिंग है यार, क्या एक्टिंग है इसकी, देखो बंदे लोग को कॉल कर दे, जो करना है कर लो, जो खाना है खा लो। देखो गाइस क्या ही जबरदस्त एक चीज है, देखो 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 सब यार। जो फिर से मैं पीछे चलता हूँ और मैं लेके गया था दोनों को, तो फिर अभी मैं नहीं उठाऊंगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ कैमरा लेके घूमता रहता गाइस, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सारा काम हमने भी किया है। तो गाइस मौसम बड़ा सुहाना है और हमको वीडियो बनाना क्या आती, कन्नो खर्चो घटवा रिक्शा आती। तो दोस्तों अभी इसके अंकल लेकर आए हैं थम्सअप, देखो ये रहा। लेकिन हम यहाँ पर थम्सअप का प्रमोशन नहीं करें बल्कि ये बता रहे कि आप लाइक कर दो। अपने कंट्री का नाम बताओ तो। नरेंद्र मोदी। गर्मियाँ दस्तक देती है जब मोहब्बत हसीनाओं पर नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक पर होती है। तो दोस्तों अभी इस चैलेंज को होते हुए हम लोगों को 12 घंटे हो चुका है। गोटला चीज़ें जो कैसे घंटा है तो नहीं अंदर एक लोग गोटलो दोस्तों इस चैलेंज की सबसे अभी खतरनाक चीज होने वाली है कि हम लोग जाने वाले है हमारे गाँव से दूर, पर हमारे गांव की सबसे अगर हॉन्टेड चीज में से एक अगर गिनी जाए तो वो है गाइस हमारे गांव का रेलवे स्टेशन। तो अभी गाइस बज रहे हैं 12 बजने के अंदर 10-20 मिनट बाकी है गाइस, और वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो गाइस मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, हमारे अंदर क्या फील होता है और क्या क्या चीज अगर वहां पर होती। और ये है इसका रास्ता एकदम, मतलब लाइट वाइट कुछ है नहीं, हमारे पास तो लाइट है लेकिन बीच में कोई भी लाइट नहीं है। और वहाँ पर हम लोग चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि हमारे साथ क्या क्या एक्टिविटीज होती है गाइस। कृपया करके रात को बच्चे ये वीडियो ना देखें। दोस्तों आप लोग ऐसी किसी भी तरह की वांटेड जगह पर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर, आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अभी नया नया रेलवे स्टेशन बना है और अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जो कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। तो चलिए अब चलते हम लोग ऊपर।
चलो फिर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एकदम अंधेरा है। यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइट नहीं है कि जिससे मतलब हम लोगों को कुछ ऐसा डर जैसा ना लगे। यहाँ पर एकदम सन्नाटे वाला एकदम फील आता है। यहाँ पर आने से आप लोगों की धड़कन थोड़ी सी तेज हो जाएगी, क्योंकि आप डरते हो इसी वजह से। हमारे अंदर डरने की हम लोग फील करते हैं, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर डर लगता है गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर, और क्या क्या रहता है, क्या क्या एक्टिविटीज है, क्या क्या चीज़ है, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, और जो कि हमारे गांव के सारे लोग हैं उनको सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा गाइस। हम लोग आ चुके हैं अभी यहां पर, और ये है गाइस हमारे गांव का रेलवे स्टेशन। जो लाइट आ रही थी वो वहां की थी, देख लो जो ही ना, देखो आप लोग डाउट ना रह जाए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन के पास। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखते भी लिखा हुआ है एकदम क्लियर। हम लोग रेलवे स्टेशन के पास अभी आ चुके हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का रियल टाइम। ये गूगल रियल टाइम नाउ। तो देख सकते हो गाइस कि अभी बज रहे हैं 11:42 और रात के पीएम के, देख सकते हो आप लोग एकदम फोकस करके भी 12 तकरीबन बज रहे हैं। हम लोग 12 बजे तक यहाँ की रुकने की कोशिश करेंगे गाइस। ये है हमारे गांव का रेलवे स्टेशन, और आप लोगों को कुछ भी एक्सप्लोर कराता हूँ, देखो आप लोग। लेकिन आगे जाकर लाइट की सुविधा हो जाएगी, वहां पर आप लोग हमारा रेलवे स्टेशन देख सकते हो फिर से। वहां पर भी दिखा सामने से लेकर यहाँ से वहां तक, और फिर से मेरी तरफ आ जाए। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश की है, कि पहले ऐसा आप लोगों को डर लगेगा, कुत्ते की आवाज़ लगती है तो भी यहाँ पर डर लगेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हमारे अंदर ऐसा फील होने लगता है, इसी वजह से हम लोगों को यहाँ पर डर लगता है। तो अब हम लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे आगे भी। यहाँ पर जो मेन जो रास्ता है, मतलब मेन जो चीज़ है, वहाँ पर तो हम लोग आ गए, लेकिन आगे भी जाने की कोशिश करेंगे। और मैंने आप लोगों को बताया कि गाइज अभी बज रहे हैं 11:44, तो गाइज अभी भी आगे जाऊँगा और 12 बजे तक रुकने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएगी गाइस। यहाँ पर ही अभी नया नया बना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी की जो नल है वो भी अभी नहीं लगाया जाएगा गाइस। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं रेलवे ट्रैक पर भी आ चुका हूँ, हमारे गांव के रेलवे ट्रैक पर, जो कि है गाइस हमारे गांव के लोग मुझे पहचानते होंगे, और जो लोग डरते हैं उसी को ही मैं बताने के लिए आया हूँ कि गाइस ऐसी कोई भी चीज़ होती शायद है तो भी अपने आप के अंदर आप हिम्मत रख कर आओगे तो आप लोगों को डर नहीं लगेगा। ये सब काम होता है, ये सब भर्म होता है गाइस। लेकिन अगर एक बात हम लोगों को जिस चीज़ से डर लगता है वो है गाइस कि हम अकेले हैं गाइस, इसका हम लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन हमारे साथ तो कोई और नहीं है ना, इसी का ही हम लोगों को डर लगता है गाइस। लेकिन ऐसी तो कोई चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली नहीं। जो भी चीज़ आप लोगों को डाउट होगी वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है गाइस। यहाँ पर आप लोग अकेले होंगे तो डरने की 100% संभावना है। चाहे हमारा माइंड सेट गाइस इस तरह से बनाया गया है कि अगर ये चीज़ भी अगर हम लोग देख ले तो इस जगह पर हम लोगों को डर लगेगा ही लगेगा। अगर आप लोग डरते हो तो आप लोगों को किसी भी चीज़ से डर लगेगा। कि पैसेंजर के लिए बना नहीं है तो ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पर चोरी करने के आए, ऐसा कुछ हम लोगों के लिए एलिगेशन लग सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं, और यहाँ पर आप लोगों को अंदर काफ़ी एक बार दिखा देता हूँ गाइस, अंदर आ जाओ, क्योंकि यार कुछ डाउट रखना नहीं चाहता ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है गाइस। इसी के साथ मैं यहाँ से अभी निकल जाता हूँ, और गाइस देख सकते हो कि ट्रेन भी आ चुकी है, और हम लोग यहाँ से बाहर भी आ चुके हैं गाइस। ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर ख़त्म होता है, और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और अभी हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से गाइस। तो अभी चलते हैं, ये गूगल टाइम राइट नाउ। The time is 11:54 PM. तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 11:54 हुई है, और गाइस यहाँ पर अभी 12 अप्रॉक्स बज ही चुके हैं गाइस।
अभी तो 15 भी हो चुकी है, 55 भी। और गाइज यहाँ पर मैंने, जहाँ पर लोग दावा करते हैं हॉरर प्लेस होने का, वहाँ पर मैंने आप लोगों को जाकर बताने की कोशिश की है गाइज, यहाँ पर वहाँ पर होती है गाइज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ऐसा लोग दावा करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को वहाँ पर जाकर उस वहम को दूर करने की कोशिश की है गाइज। वहाँ पर एक रिक्शी जगह है, हमारे पेरेंट्स भी वहाँ पर जाने का अलाउड नहीं करते, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है गाइज। इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक आप लोग जरूर। डुंगरी बनेगा विश्वनाथ क्लास, डुंगरी विश्वनाथ क्लास, शेयर कर बेटा विश्वनाथ क्लास, अरे बड़ा 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 हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोगों को कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग वहाँ पर गए तब एकदम वहाँ पर कोई भी लाइट वाइट मौजूद नहीं थी, इसी वजह से आप लोगों को वहाँ पर डर लगने का एहसास होगा। ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी ना कि मुझे ऐसा डर, अंदर से थोड़ा डर लगता था, घबराहट होती थी कि कुछ यहाँ से कुछ थोड़ा सा कुछ प्राणी कहीं भी आवाज़ कर लेता, आवाज़ करता तो मुझे डर लगता, अंदर से घबराहट होता था कि अब कुछ है तो नहीं यहाँ, क्योंकि यहाँ तो भूत का इलाका होता है, ये तो होता सबको लगता है भूत ऐसा। तो ये कैसा लगा तुझे, डर बर कुछ लगा क्या? हाँ, वहाँ पवन जोर से आ रहा था और वो तो है, आवाज़ भी डरावनी आ रही थी, वो तो है। गाइस वहाँ पर हमारे साथ जो हम लोगों को डर लगा, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा और इस बंदे को सबसे ज़्यादा डर लगा, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया पर्सनल के अंदर। तो गाइस सबसे अगर डर लगा ज़्यादा तो हम लोग जब ट्रैक के अंदर उतरे थे गाइस, आप लोगों को वीडियो के अंदर अभी ओवरले करके आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब हम लोग वीडियो के अंदर मतलब कि जो ट्रैक के अंदर उतरे थे, वहाँ पर हमारे सामने जो मैंने आप लोगों को परत दिखाई कि पानी की, जो पानी की परत थी वहाँ पर गाइस चकलियाँ नहीं थी, मतलब कि जो नल होते हैं वो लगे हुए नहीं थे, वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। और जब उसके बाद मैं ट्रैक के अंदर उतरा और वहाँ पर से जब मैं देख रहा था तो गाइस मेरा पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन उस जो कांच का बना हुआ था, मतलब कि पत्थर से बना हुआ, उसके अंदर मेरा रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो गाइस उसी चीज़ को मैंने जब देखा तो मेरे चेहरे का रंग भी वहाँ पर आप लोग ओवरले के अंदर देख सकते हो शायद, तो मेरे को कैसा फील होगा हुआ होगा। मैंने किसी को भी बताया नहीं था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने जब वहाँ पर देखा तो मेरी शक्ल ही वैसे दिख रही थी और मैं वैसा का वैसा उसमें दिख रहा हूँ, तो अपने आप में से डर तो लगेगा कि वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसके अंदर से मेरा रिफ्लेक्शन किसी और को दिखे। तो गाइज वहाँ पर जो मैंने देखा और मेरे आँख के अंदर आँख जो बंदा डाल रहा था, जो कि मैं ही था, इसी वजह से मेरे को डर लगा था थोड़ा सा। बाकी तो कुछ हमारे साथ हुआ नहीं है, वो भी एक पत्थर की वजह से हुआ था, बाकी कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं हुई थी गाइज। बाकी डर तो थोड़ा थोड़ा सा अंदर लगता ही है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को ज़्यादा कैप्चर करता है जिस चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। और भी गाइज हॉरर वाले भूत वाले वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देख सकते हो गाइज अभी 12:22 हुई है कंप्लीट, और अभी हम लोग बनाने वाले हैं गाइस बेड सॉफ्ट। देख लो गाइस जो यहाँ पर हवा मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलता है गाइस बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन सुनिए, सोना भी इतना ही जरूरत है जितना चैलेंज वीडियो बनना। दोस्तों अभी बजे है गाइस 2:30, अभी सारे के सारे लोग सो चुके हैं। देखो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सारे के सारे लोग अभी सो चुके हैं। यार मेरी आवाज़ इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि यार सारे लोग सो चुके हैं, तो फिर किसी को डिस्टर्ब करने का मतलब नहीं। तो फिर मैं भी अभी सो ही जाता हूँ गाइस, तो गुड नाइट गाइस। हाँ हाँ ठीक है, अभी सो जाओ, गुड नाइट। सो जा भाई। कैसा है यही दिखाने के लिए गाइस मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोग। और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।
दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे चैनल पर अभी 550 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब पहली सुनो आप लोग कि एक आम का पेड़ था, आम के पेड़ के नीचे गाइस चार लोग बैठे हुए थे, एक गाइस लंगड़ा, बहरा, गूंगा और अंधा। और अगर आम गिरा तो आम को सबसे पहले कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? लंगड़ा। सही है भाई, मुझे पता ले लेगा। अरे यार, तो गाइस मैंने देखा था। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट छोड़कर जा सकते हो, कमेंट में बताना। और जो जो लोग कमेंट करेगा इसका सही आंसर, उसको मिलेगा गाइस गिफ्ट। गिफ्ट में क्या रखते हैं? 1 रुपीज। तो गाइस गिफ्ट के अंदर हम लोगों को उसको दे देंगे 1 रुपया। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो भी वो यूज करता है गाइस, हमारी तरफ से उसको 1 रुपया मिल जाएगा। और गाइस मैं उनके साथ अभी एक प्रैंक करने वाला हूँ। दूसरी बार भी इसके अंकल ने दूसरी बार हमारे लिए अभी कोल्ड ड्रिंक लाए है वो फिर से। मैं हूँ ना, ऐसी कटिंग करता हूँ कि इसके सामने क्या छोटी 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 कटिंग करता हूँ। गाइस थकान बहुत हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर तो धूप आ चुकी है, मतलब दिक्कत वाली बात आ चुकी है फिर से एकदम। और सरपंच जाकर हम लोगों को डांट मिलेगी गाइस। ये अभी मर्चा नाखे नहीं आपने, कार्तिक ने कुछ अच्छा काम किया है जीवन के अंदर। सबसे पहला एक अच्छा काम अगर कोई किया है तो वो है गाइस कार्तिक ने। ए बगाड़े ओ नाखे बस थोड़ा ना ले अपना पत्ता राखी उड़ा के। देखो गाइस कुछ अभी ये हाल है मैगी का। ये बहन तो सीन क्या लगता है आप? मैगी को गरम करता हूं, पानी उबालता हूं, मैगी डालता हूं, टमाटर डालता हूं, तू डाल दे ना। दोस्तों अभी हमारा चैलेंज यहाँ पर खत्म हो चुका है, हम थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकल जाने वाले हैं। और गाइस थकान बहुत ही ज्यादा है क्योंकि यार यहाँ पर पहले तो नींद पूरी मिली नहीं, क्योंकि यार मैं तो कितने लगभग 2-2.5 घंटे ही सोया हूँ, ज्यादा सोया नहीं हुई इसी वजह से। मतलब सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। नींद गाइस आ रही है, आंखों में भी दर्द हो रहा है। और यहाँ का ये लास्ट मौसम आप लोग देख लो गाइस, इस खेत के अंदर हमने गाइस 24 घंटे बिताए हैं। तो गाइस इसी बात पर हमारे इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना थोड़ा सा जरूरी है अब क्योंकि मेहनत भी हम लोग करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। तो भाई छाप भी आप लोग बैठ सकते हो, मतलब छाप में बैठ सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। आ जाओ। तो मेरा प्रैंक यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ गाइस, सारे लोग डर चुके हैं। वहां पर एक कैमरा था दूसरा भी जहाँ पर मैंने लगा रखा था तो गाइस दो कैमरे थे और दोनों के अंदर रिकॉर्ड आप लोगों को देख ही रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा चैलेंज खत्म होता है गाइस। यहाँ पर अभी हम लोग पानी वानी पीने के लिए बैठे हुए हैं गाइस। और हमारे टाइम की बात की जाए अगर तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 11:16 हुई है। और दोस्तों यहाँ पर 11:15 हुई, उसका मतलब कि हमने तकरीबन 25 घंटे यहाँ पर गुजार दिए गाइस। 25 घंटे 24 नहीं गाइस 25 घंटे। इसका भी गाइस 24 घंटे का चैलेंज यहाँ पर खत्म होता है, हमारा चैलेंज यहाँ पर खत्म हो। हमारी सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है और यहाँ पर से अभी हम लोग चलते हैं अपने घर पर। हमारा घर अभी यहाँ से गाइस 500-600 मीटर यहाँ पर दूर होगा, कुछ ज़्यादा दूर है नहीं। तो गाइस चलिए चलते हैं, बाय बाय गाइस। ये गूगल टाइम राइट नाउ। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 11:54 हुई है गाइस कंप्लीट 54 मिनट। और मैं वहां पर जाकर आ चुका हूँ जहां पर गाइस पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की लोग दावा करते हैं। तो गाइस वहां पर हॉरर प्लेस है ऐसा लोग कहते हैं, जो कि अरे मुझे उनको भूडा मना आपने भूडनी भी क्ला घा लिया ભુંડા જુદી પેલા તો આ ભુંડું હોય એટલે મે કે કરજે ફરી ચાલકો ફરી ચાલકો તો મસ્ત આવ્યો કે શું તું બીવાઈ જવા સીધો બીવે તો જવું જ ને લે મીડિયા હાર આવી છે તો ચાલકો તો લાગે નહીં દીકરા તો બીક હમ આશિકી કી ઉંમર મે કામ કર રહે હે કામ કે ઉંમર મે નામ કરેંગે ક્યા કરેંગે હા કે જરા ઉઠાઓ હમ